मूवी तो बहुत सारी है इनविजिबिलिटी के ऊपर, मतलब जिसमें गायब हो जाता है इंसान। और जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मैं ये सोच रहा था कि इसमें ऐसा नया क्या होगा कि ये ऑडियंस को बांध के रख पाए। मैं बात कर रहा हूँ द इनविजिबल मैन की, जिसे डायरेक्ट राइट प्रोड्यूस एक ही इंसान ने, लाइक वैनल ने किया है। मैं बता रहा हूँ कि मल्टी टैलेंटेड हो जाओ, वरना आने वाले टाइम में मार्केट में जॉब की कमी होने वाली है। देख लो अपने लय वैनल भैया को ही देख लो, दो बंदों की नौकरी तो खा बैठे, चाहे वो डायरेक्टर हो या फिर राइटर की, या राइटर हो या प्रोड्यूसर की, यानी दो बंदों की तो नौकरी लेके गए ना वो। तो भाई तैयारी करने वाले गवर्नमेंट के विद्यार्थी हूँ या फिर किसी भी कंपनी में जाने वाले छात्र छात्रा हूँ, अगर मल्टी टैलेंटेड नहीं हो तो कंपनी लात मार के बाहर निकाल देगी। तो प्लीज़ बी अवेयर, पहले से कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर ले, बैठ जाओ, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट की तैयारी तैयारी कर लो, क्योंकि आज की डेट में वही चल रहा है भारत में। इसके अंदर कास्ट है एलिजाबेथ मॉस, ओल्डीज हॉज, ओलिवर जैक्सन कोहेन, स्टॉम रीड और बाकी अन्य कलाकार। अब मैं कहानी बता देता हूँ इस मूवी की, क्या कहानी है। तो एक लड़की है जो अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भाई उसका पति है साइको, मेंटल है, हिला हुआ है उसका पति। और इस लड़की का नाम है सिसिलिया, जिसे प्ले किया है एलिजाबेथ ने। और एलिजाबेथ का जो इसमें हस्बैंड है वह है ओलिवर। सिसिलिया का जो हस्बैंड है वो एक साइको का इसमें रोल दिखाया गया है, जो अपनी वाइफ के ऊपर बहुत कंट्रोल करता है। वो क्या खाएगी, क्या पहनेगी, किससे क्या बात करनी है, इवन क्या सोचना है, क्या बोलना है, सब चीज़ें, सब की सब चीज़ें जो सिसिलिया का जो हस्बैंड है वो डिसाइड करता है। तो इस बात से भाई सिसिलिया है बहुत ज़्यादा परेशान। मतलब एक इंसान की आज़ादी तो होती है ना यार, वो आज़ादी वहाँ नहीं मिल रही थी। तो उसको लेके वो अपने पति से परेशान थी, वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी। तो एट लास्ट वो कोशिश करती है, जैसे मूवी में दिखाया गया उसने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिलती। लेकिन एक दिन हिम्मत करके वो अपने घर से भाग जाती है, यानी अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग जाती है। और ये बात मैंने पहले बता दी थी कि भाई सिसिलिया का हस्बैंड एक साइंटिस्ट, बता दी थी नहीं बता दी, जो भी हो अब सुन लो, उसका हस्बैंड एक साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट सारे के सारे साइको ही होते हैं क्या, जो एक इनविजिबल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इनविजिबल यानी वो किसी को गायब करने वाली ऐसा कुछ टेक्निक बनाने की कोशिश कर रहा है, और एट लास्ट वो कामयाब भी हो चुका होता है। तो उसने एक ऐसा सूट बनाया हुआ था जिसके सारे चारों तरफ उसके कैमरे, मतलब पूरे सूट कैमरों से ही ढका हुआ है, और जिसे पहनकर वो अदृश्य हो जाएगा, इवन वो लाल शीशे में भी नहीं दिखेगा। अबे क्यों इतनी मेहनत की, वो मिस्टर इंडिया की घड़ी ले लेते, इतने टाइम से वो म्यूजियम में रखी है, कोई इसको पहन नहीं रहा, बिना वजह का खर्चा कर दिया, टाइम खराब कर दिया। अब सिसिलिया का हस्बैंड सूट पहन के गायब हो चुका है और उसके पास पावर आ चुकी है, किसी को भी मार सकता है वो अब, क्योंकि अरे यार सूट तो इनविजिबल करता है एकदम, पावर और पावर कहाँ से देता है, किसी को भी उठा के वो फेंक सकता है, इतनी पावर तो मुझे नहीं लगता। खैर मूवी बनाने वाले हैं वो जाने यार। तो अब उसे उसका हस्बैंड, सिसिलिया का हस्बैंड अब उसे परेशान कर रहा है, उसे लोगों के सामने ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि सिसिलिया जो मानसिक रूप से हिली हुई है। तो ये सब वो करने में कामयाब भी हो जाता है, उसको एक पागलखाने में भर्ती भी करवा देता है, इवन सिसिलिया की जो बहन है उसका मर्डर भी सिसिलिया का हस्बैंड ही करता है, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो सिसिलिया के ऊपर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, सिसिलिया को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब उसे वो अलग इसलिए करवाना चाहता था ताकि वो उसकी वाइफ जो है उसके पास वापस आ जाए। तो अब सिसिलिया का भैया दिमाग गया सटक, क्यों अब सटक इसलिए गया क्योंकि यार उसके हस्बैंड ने उसकी बहन को मार दिया, उसकी आज़ादी छीन ली, अब उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया, अब भाई वो चाहती है इसको ख़त्म ही करना। तो सिसिलिया एंड वो लास्ट में वो क्या डिसीजन लेती है कि वो उसके घर में जाती है अपने हस्बैंड के, यानी वापस जहाँ से वो भागी थी, जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी, वो वहीं अपने घर में जाती है और अपने हस्बैंड से ये सच उगलवाने की कोशिश करती है कि ये सब उसका किया कराया है। वही पुराना मेथड, कपड़ों में माइक मुइक छुपवा के, बट किंतु परंतु साइंटिस्ट भैया हैं दिमागी भैया, साइंटिस्ट भैया को पता चल जाता है कि उसने ये माइक्रोफोन छुपाया होता है। अबे साइंटिस्ट है वो कोई, तो वो जान जाता है और इसलिए वो सच नहीं बोलता उसके सामने, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड हो रही होती है कोई और भी सुन रहा होता है, इसलिए वो सच नहीं बोलता। अब सिसिलिया की और सटक जाती है कि भैया अब नहीं हो सकता, तो वो क्या करती है, वही वो सूट पहन के अपने हस्बैंड को मार देती है। कहानी ख़त्म, मूवी भी ख़त्म। देखो इसमें इतना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग था नहीं कि आप
इसमें बंधे रहो। ठीक है, एक मूवी चल रही है इसमें, ठीक है चल रही है तो देख लिया मूवी को। ऐसा कुछ इसने अट्रैक्ट नहीं किया इस मूवी ने। मूवी में कोई सस्पेंस नहीं था। एक तो छोटे मोटे हैं, लेकिन उन्हें सस्पेंस का नाम देके, सस्पेंस की बेइज्जती करने के, मैं ऐसा सकता, मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा। तो भैया कोई सस्पेंस नहीं था, बस इतना ही था। खैर मूवी पहले आ चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया, शायद एक हफ्ता हो चुका है इस मूवी को आए हुए। रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला था, मैंने भी लिख रखे थे अपने, तो जो लिख रखा था क्यों ना यार उसको, मेरी जो मेहनत है वो कम से कम वीडियो में तो उतार दूँ। खैर बस आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो अब तक तो देख ही ली होगी, शायद अब तक हट भी गई होगी। तो अगर देखी है तो नीचे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।